रामगढ़ जिले की बाजदरा खदान से भुरकुंडा कोलियारी रोड सेल समिति ने प्रभावित मजदूरों के हक अधिकार को लेकर घोषित कार्यक्रम के तहत विरोध प्रदर्शन सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता रमन शर्मा एवं संचालन रॉबिन मुखर्जी, संजय मिश्रा, मुकेश पासवान ने संयुक्त रूप से किया। कहा, पिछले 40 वर्षों से भुरकुंडा कोरियारी रोड सेल समिति शहरी क्षेत्र प्रभावित के अधिकार के लिए यह संघर्षरत है, जिसे देखते हुए जिला प्रशासन और न्याय कानून के तहत रोड सेल समिति में रोजगार संबंधित 50-50% में बांटा गया है। आज विस्थापितों द्वारा अलग अलग कमेटी बनाकर अपने हिस्सेदारी स्वर्ग के लिए बाहरी भीतरी किया जा रहा है, जो अति निंदनीय है। इन सभी मामले पर सीसीएल प्रबंधन अवगत है, जिसके बाद भी वो मौन है और विस्थापितों का आवेदन स्वीकार कर रही है। वही सरोज खान झा ने कहा, शहरी क्षेत्र के जो भी प्रभावितों का मोर्चा है, युवा पीढ़ी बेरोजगार है, हम लोग उन सभी को स्वीकार करने को लेकर तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज UNI। भुरकुंडा लोकल सेल जो है वो दो भाग में चल रहा था, आधा शहर आधा देहात। प्रबंधन और प्रशासन के द्वारा 1985 से इसको डिवाइड किया गया, लेकिन अभी कुछ तथा कथित लोग ग्रामीण क्षेत्र के, उन्होंने विस्थापित के नाम पर ये कह करके कि हम विस्थापित हैं, मेरा जमीन गया है, सेल को बाधित कर रहे हैं और उसमें वो शहर क्षेत्र को खारिज कर रहे हैं, शहर क्षेत्र को खारिज कर रहे हैं। बोले हैं शहर वाले, ये जो है इनका कोई जमीन नहीं गया है, इनको रोजगार नहीं मिलना चाहिए, 80% हम चलाएंगे। और इसी बात के लिए हम लोग ये विरोध कर रहे हैं और ये पूरी ग्रामीण मान शहर क्षेत्र के मजदूर को ये किया गया है कि जो 85 से चल रहा है, इस 85 से हम लोग इसको चला रहे हैं, आधा शहर आधा देहात के रूप में चला रहे हैं और अभी भी ये चलेगा आधा शहर और आधा देहात के रूप में। और इसी बात के लिए हम लोगों ने ये आम सभा किया और मजदूर को इकट्ठा किया और हम लोग का प्रबंधन से और ग्रामीण क्षेत्र के जो भी तथाकथित नेता है उनसे मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जो इस क्षेत्र का 40 साल से जो शांति व्यवस्था बन के और ये सेल चल रहा था, उसको आप सुचारू रूप से चलाइए और दोनों चलाइए, दोनों मिल के चलाएंगे। और ये इस क्षेत्र में वार्ता हुआ था, उसको कुछ लिखित वगैरह है आप लोग? हम लोग का SDO साहब का चिट्ठी है, वीडियो माने वीडियो का चिट्ठी है, ग्रामीण 1985 से 2006 तक का लिखित ये है कि आधा शहर आधा देहात। उसमें बहुत सारी बात है जो प्रबंधन और प्रशासन के समय जब उनकी बैठक होगी उसमें मैं उसको प्रस्तुत करूंगा। एक ही मांग है कि जिस तरह से पुराना लोकल सेल चलता रहा है, आधा शहर आधा ग्रामीण क्षेत्र वही चल रहा है, और शहरी क्षेत्र को एकत्रित करने का एक ही कारण है कि चूँकि कई लोग उसको अंडरएस्टिमेट कर रहे हैं कि जो शहरी क्षेत्र के लोग हैं उसमें कोई जान नहीं है, कुछ तो बात नहीं है। और उसका एक ही नारा हम लोग दिए हैं, यही है सिस्टम, यही है बात, आधा शहरी आधा देहात। और इसी बात को लेकर हमने इकट्ठा हुआ, सेल का DO आया हुआ, सब कुछ आया हुआ और स्थानीय सिसल प्रबंधन की कई उदासीनता है कि कोई भी नया पार्टी जाता है उसको बन के चार लेकर देते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं। साहब 40 साल से आपके पास यहाँ सेल समिति ऑलरेडी स्थायी समिति है, आप उसको संचालित किए, समस्या का समाधान होगा, लेकिन कहीं ना कहीं प्रबंधन ने इसको उदासीनता लिया हुआ है। उसी बात का रहा बात ग्रामीण क्षेत्रों से, वो सारे बात को समझते हैं और कुछ मुठ्ठी भर ग्रामीण क्षेत्र के लोग चाहे शहर के लोग जो उत्तर करना चाहते हैं उनको समझना होगा कि सेल परिवार शांति चलता है और शहरी क्षेत्र के साथियों से बोलते हैं कि आप आइए साथ जुड़िए, आपको ऐड करना चाहते हैं और आप हमको डिलीट करना चाहते हैं, ये पॉलिसी नहीं चाहिए।